मेंस्ट्रुएशन एंड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट अ हैंडीकैप। ये है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी का कहना है कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स कोई विकलांगता नहीं है, इसलिए महिलाओं को इसकी छुट्टी देने की जरूरत ही नहीं है। स्मृति ईरानी ने पीरियड्स के लिए महिलाओं को छुट्टी मिलने को गैर जरूरी बताया। इतना असंवेदनशील बयान देकर स्मृति जी ने साफ कर दिया है कि उनकी मानवता मर चुकी है, वे असंवेदनशीलता की सारी हदें पार कर चुकी। उनके इस बयान से लाखों कामकाजी महिलाओं का मनोबल गिरेगा। स्मृति जी शायद महिला होते हुए भी ये भूल गई हैं कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक पहलू है। कई रिसर्च में ये बात कही गई है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं जिस दर्द से गुजरती हैं, वो किसी भयानक बीमारी में होने वाले दर्द से भी ज्यादा है। स्मृति जी, इस तरह की बयानबाजी बहुत खतरनाक है, क्योंकि पूरी दुनिया में कई देशों में मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर कानून है। स्पेन में छुट्टी है, इंडोनेशिया में छुट्टी है, जापान में 1947 से महावारी के लिए छुट्टी मिल रही है, और कई देश हैं जहां पर पीरियड्स के दौरान औरतों को और लड़कियों को 2 दिन की छुट्टी मिलती है। यहां आप बता रही हैं कि ये विकलांगता नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है। मेंस्ट्रुएशन एंड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट अ हैंडीकैप। मोदी सरकार की ही तरह स्मृति ईरानी जी भी कॉर्पोरेट के इशारे पर काम कर रही है। वे उस साजिश का हिस्सा है जो महिलाओं को वर्कफोर्स से बाहर करना चाहती है, ताकि उनकी जिम्मेदारी कम हो और उन्हें कम सुविधाएं देनी पड़े। लेकिन स्मृति जी, आपकी इस असंवेदनशीलता से देश की महिलाओं के आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। वे आपको इस गलती का एहसास जरूर कराएंगे।